हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर अमित प्रीति इंग्लिश। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है? ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ टेंस के अंदर, सेकंड टेंस प्रेजेंट का, रहा है, रही है, रहे हैं, इसकी पहचान है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं। तो आज हम कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बताया था आपको रूल चेंज हो जाता है। सबसे आप पैसिव वॉइस बनाएंगे टेंस में क्या क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद हम यूज़ करते हैं बाय, बाय के बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में यही रूल चलते हैं हमेशा, चेंज से चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जब हम कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम बींग साथ में जोड़ देंगे। बींग देखिए, ऑब्जेक्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब, इज बींग, एम बींग, आर बींग, बींग, बी आई एन जी हमने जोड़ दिया इसमें। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। ध्यान से देखें, वीडियो पूरी देखें, एंड तक देखें, दो में याद रखें, वीडियो शेयर करें, क्योंकि आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। आपके साथ के बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए साथ दें, सपोर्ट करें, वीडियो एंड तक देखें, बहुत ईजी है, आपकी समझ में आएगा। ध्यान दें, फर्स्ट सेंटेंस है आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये टेंस है आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस के अंदर, तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा, मेरे जरिए पढ़ाई जा रही है। सिंपल है, देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, तो इंग्लिश हमने शुरू में लगा दिया। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हम लगाएंगे, यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या इंग्लिश सब्जेक्ट, एक नाम है, सिंगुलर है इंग्लिश, तो हम यूज़ करेंगे इज बींग, इज बींग आ गया, बींग मतलब पैसिव वॉइस, मतलब यूज कर रहे हैं। टीच की प्लेटफॉर्म होती है टॉट, टी आई यू जी एस ए टॉट, बाय हम लगाते हैं पैसिव वॉइस, बताइए यार रूल आपके सामने। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, आई का क्या बन गया, आई आ गया, आई का मी बन गया, तो बाय मी, इंग्लिश इज बींग टॉट, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। सिंपल, हमने बाय लगा दिया, अंग्रेजी मेरे द्वारा, मेरे जरिए पढ़ाई जा रही है। पैसे वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, लेकिन मैंने कहा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, यहाँ क्लियर नहीं है, काम कौन कर रहा है, तो हमने बाय लगा दिया, बाय मी, मेरे जरिए पढ़ाई जा रही है। अगर हम चाहे तो इससे हम डायरेक्ट जो बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं, तो हम यहाँ तक बोलते हैं। अगर सेंटेंस क्लियर करना है तो बाय के बाद जो भी पढ़ा रहा है। सेकेंड है वी आर सेलिंग द फ्रूट्स, हम फल बेच रहे हैं। सिंपल है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव वॉइस क्या कहता है, पैसिव वॉइस सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्रूट्स, द फ्रूट्स आगे देखिए, फ्रूट्स ज़्यादा है तो इस तो आएगा नहीं, तो आज देखिए आज यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस, बींग भी लगा देंगे, आर बींग। उसके बाद हम यूज़ करेंगे वी थ्री, थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, देखिए सोल्ड लगा दिया, बाय आ गया, रूल्स के हिसाब से बाय लगा दिया, सब्जेक्ट क्या है, फिर वी है, वी का हम अस कर देते हैं, ठीक है। फल हमारे जरिए बेचे जा रहे हैं, फल बेचे जा रहे हैं, सिंपल है, पैसिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट ठीक है, शुरू में आएगा, लेकिन मैंने कहा हमारे जरिए बेचे जा रहे हैं तो बाय अस लगा दिया हमने। उसके बाद यूज़ करें, देखिए आप सेंटेंस आगे है, ही इज बीटिंग मी, वे मेरी पिटाई कर रहा है, वे मेरी पिटाई कर रहा है, सिंपल है, ही इज बीटिंग मी, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस बन गया। लेकिन इसको हमने देखा पैसिव वॉइस बनाइए, तो यहाँ मी है, अभी था ऑब्जेक्ट क्या था, नाम तो इंग्लिश है, फ्रूट से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का शुरू हम लेकर आएंगे, हम मी का आई बन जाता है हमेशा, तो मी को हम लेकर आ गए, देखिए मी आ गया तो आई बन गया। आगे हम आपको बताइए, सिंपल आई के हम एम यूज करते हैं, चाहे वो टेंस हो, अगर पैसिव वॉइस है तो एम बी आएगा, आई एम बींग, ठीक है, हाँ सॉरी आई एम बी लगाएंगे, बी ई आई एन जी बींग, आई एम बींग बिटन बाय हिम, मुझे मेरी पिटाई हुई है उसके जरिए, बाय हिम, लड़का है तो बाय हिम, लड़की तो बाहर, जो भी है सब्जेक्ट हम लगा देंगे, तो आई एम बींग बिटन, मेरी पिटाई हो रही है, बींग एम बी लगाएंगे, एम बींग पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, अगर सिंपल एम आता तो आई एम बीटिंग होता जो ऊपर है, ठीक है, आई एम बीटिंग, मैं आई एम बीटिंग मतलब मैं पिटाई कर रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट लगा दी, ठीक है, आई एम बीटिंग, यहाँ पे ही इज बीटिंग है, वे मेरी पिटाई कर रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस आई एम बीटन बाय हिम, उसके द्वारा मेरी पिटाई हो रही है, ये तो आपसे आपको अफर्मेटिव, हम करेंगे नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल कुछ दी थी, सेम सेंटेंस है, हमने फिर नोट लगा दी थी, हमने यहाँ पे नोट लगा दिया, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा, सिंपल ऑब्जेक्ट आ गया, इस नोट हमने लगा दी सब में, इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही, इंग्लिश इज नॉट बींग टॉट बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा नहीं पढ़ाई जा रही, सिंपल ये सेंटेंस है, हमने नोट लगाया, संडे में चेंज नहीं करें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, हमने इसमें नोट ऐड कर दिया, जब नोट आ जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएंगे, वी आर नॉट सेलिंग द फ्रूट, हम फल नहीं बेच रहे, तो
तो ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्रूट्स आ गया आर नॉट बीइंग आ गया थ्रेटफॉर्म ने सोल्ड लगा दिया बाय हमारे जरिए हमारे द्वारा फल नहीं बेचे जा रहे। ही इज नॉट बीटिंग मी, वे मेरी पिटाई नहीं कर रहा। तो मी का देखिए हमने आई लगा दिया, आई एम बीइंग, यहाँ बीइंग आएगा, आई एम बीइंग, हम बीइंग यूज करेंगे यहाँ पे, आई एम बीइंग नॉट बिटन बाय हिम, मेरी पिटाई नहीं हो रही इसके जरिए। बीइंग लगाएंगे, बीइंग में लगाना भूल गया था, तो हम बीइंग यूज करेंगे बी यानी बीइंग, यह भी बोले पैसिव वॉइस का। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसे देखिए ध्यान से इसे नोट करें। अगेन आपसे कहता हूँ दो में याद के सपोर्ट करें, वीडियो एंड तक देखिए, शेयर करें, कोई डाउट हो दिक्कत हो क्वेश्चन करें कमेंट करें। ओके टेक केयर, बाय, उसी वीडियो के लिए वेट करें।